नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। तीन दिवसीय विदेश यात्रा पर पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर रवाना हुए। पीएम फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। तीन देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, यूरोपीय देशों से सहयोग की भावना को मजबूत करना है मकसद। कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जैकब पोलियन ने सुप्रीम कोर्ट में टीकों की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। यूजीसी नेट के आवेदन प्रक्रिया शुरू। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1100 रुपए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 550 रुपए और SC ST और दिव्यांगों के लिए 275 रुपए शुल्क। यूपी में 16 IAS अफसरों का तबादला। संजीव मित्तल बने राजस्व परिषद के चेयरमैन। मनोज कुमार सिंह बनाए गए यूपी के नए APC। सपा नेता आसम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। या सीतापुर जेल में बंद है आसम खान, सबसे बड़ा सवाल, क्या जेल से बाहर आ पाएंगे आसम। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर जमीयत उलमाए ने दाखिल की है याचिका। चंदौली में हुए बवाल के बाद सैयद राजा थाना प्रभारी निलंबित। ASP को सौंपी गई जांच। पुलिस की दबिश के दौरान हुई थी एक लड़की की मौत। चंदौली में अपराधी कन्हैया यादव की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत। गैंगस्टर की अपराधी कन्हैया के घर दबिश देने पहुंची थी पुलिस। कानपुर में तेज आंधी की वजह से टूटा मंच। विधानसभा स्पीकर सतीश भाना थे मंच पर मौजूद। हादसे का शिकार होने से बार बार बचे महाना। बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी गंभीर। ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती पर बिजली आपूर्ति के दिए निर्देश। कहा कि त्योहारों के मौके पर न हो अनावश्यक बिजली कटौती। बढ़ते कोरोना केस पर सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। हर दिन कम से कम 1.5 लाख कोविड टेस्ट किए जाए। उन्नाव के दही चौकी पावर स्टेशन पर ऊर्जा मंत्री के शर्मा की सरप्राइज डेट। पावर स्टेशन के कर्मचारियों की सूचना पर पहुंचे विभाग के अधिकारी। जालौन में ऊर्जा मंत्री के शर्मा का छापा। झांसी से लौटते वक्त जालौन में मारा छापा। 33 KV विद्युत उपकेंद्र पर अचानक पहुंचे ऊर्जा मंत्री। यूपी में अब कम होगी बिजली कटौती। योगी सरकार ने किया अतिरिक्त बिजली का इंतजाम। 4 सालों में उच्च स्तर पर पहुंची मांग। मेरठ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर कहा 15 जून तक बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी। अलीगढ़ में यति नरसिंहानंद का फिर से विवादित बयान। हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, सनातन धर्म परिवार के रक्षा के लिए हिंदू उठाए कदम। बागपत में राज्य मंत्री जसवंत सैनी का औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल में मक्खियां देखने पर जताई नाराजगी। देवबंद के दारुल उलूम से गिरफ्तार छात्र को लेकर यूपी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश का बयान। दारुल उलूम में पढ़ने वाले छात्र पहले से ही देश विरोधी गतिविधियों में रहे शामिल। ग्रेटर नोएडा में होगा ताज का दीदार। ताजमहल कैसे बना ये जानने को मिलेगा। बीजेपी सांसद ने किया वो ताज का उद्घाटन। बागपत पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने सिसाना गांव में पानी के टंकी के लिए किया भूमि पूजन। गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की। सहारनपुर में खनन कारोबारी और पूर्व MLC हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति सीज। आज इकबाल की 21 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में NH91 पर भीषण सड़क हादसा। ड्राइवर को नींद आने पर नहर की पुलिया में भीड़ी कार। हादसे में होंडा सिटी कार नहर में गिरी। हादसे में एक की मौत, 4 घायल। जौनपुर में पैसे के लेन देन में चली गोली। बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल। मौके से फरार हुए बदमाश। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। फिरोजाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। हरदोई में अवैध ईंट भट्टे पर गर्जा बुलडोजर। बाउंड्री वॉल और ईंटों पर चला बुलडोजर। 8 साल से चल रहा था अवैध ईंट भट्टा। बाराबंकी में मार्फिन तस्कर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने 4 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कुर्की। प्रतापगढ़ में सपा नेता सभापति की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सपा नेता ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप।
सपा नेता की बंगाल के सियालदा में हुई गिरफ्तारी, दोनों को ट्रांसिट रिमांड पर पुलिस ने भेजा। समर में पीएससी वाहनी की स्थापना की कवायद, मुरादाबाद पीएससी एसपी ने किया जमीन का निरीक्षण। आगरा में आया तेज तूफान, फतेहपुर सीकरी में दुकानों को पहुंचा नुकसान। दिन में छाया अंधेरा, कई जगह पेड़ टूटे, तेज आंधी से लोगों को हुई परेशानी। झांसी में खेत में गेहूं के डंठलों में अचानक से लगी आग, बोरिंग मशीन वाला ट्रक चपेट में आया। लखनऊ के फनेक्स प्लास्टियो मॉल में लगी भीषण आग, आग लगने से मचा हड़कंप। मेरठ में गांधीबाग में आग लगने से हड़कंप, कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों में आग लगी, दमकल की तीन गाड़ियों ने बुझाई आग। सीतापुर में खड़ी कार बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कार जल कर आग। नोएडा के सेक्टर 94 में खाली पड़े प्लॉट में आग का विकराल रूप दिखा, दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। अंबेडकर नगर में आगामी त्योहारों को लेकर सभी थानों पर किया गया बल्ब मॉक ड्रिल, उपद्रवियों से निपटने की तैयारी। आजमगढ़ में पुलिस ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मॉक ड्रिल किया, आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने की तैयारी। बलिया में पुलिस और जीआरपी ने एक साथ किया मॉक ड्रिल, सार्वजनिक स्थानों पर अनहोनी घटना से निपटने के लिए तैयारी। बलिया डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने वीडियो के जरिए लोगों से की अपील, अक्षय तृतीया के दिन पुरानी परंपरा के अनुसार नाबालिग बच्चों को ना करें उनका विवाह, बाल विवाह सामाजिक और कानूनी अपराध। सहारनपुर में आगामी पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मथुरा की नगरी में किया पैदल मार्च, लोगों से शांति से त्यौहार मनाने की अपील। मथुरा के डीएम नवनीत चहल की बड़ी मुश्किलें, जिलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बरेली में बीजेपी विधायक के भतीजे की शादी में चोरी, खुजली वाला स्प्रे डालकर वारदात को अंजाम दिया। बहराइच में शराब के नशे में महिला अधिकारी का वीडियो वायरल, महिला अधिकारी देवी पाटन मंडल की उप श्रम आयुक्त रचना के सरवाली। झांसी में दरोगा से मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश, मुलजिम के घर वालों ने की छुड़ाने की कोशिश, दोनों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में शिक्षा माफिया के गुर्गी का कहर, 12वीं के छात्रों को बेरहमी से पीटा है, की हालत गंभीर, अस्पताल में लाए जाए। जौनपुर में दबंगों का आतंक, लाठी डंडों से छात्र को जमकर पीटा, इलाज के दौरान हुई छात्र की मौत, पुलिस हिरासत में जीना रोक। सोनभद्र के चौपन में सोन पुल पर तेज आंधी में एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग पर अटका। मुरादाबाद में 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव, कोर्ट के आदेश पर शव का पोस्टमार्टम संदिग्ध हालत में हो गई थी, महिला की मौत। मैनपुरी में विवाहिता की हत्या करके शव जलाने की कोशिश, सूचना पर पुलिस ने चिता सुतारा, शव जलने पर दोबारा से कराया गया अंतिम संस्कार। योगी सरकार 2.0 में थर थर कांप रहे अपराधी, हरदोई के थाने में 78 बदमाशों ने हाथ में तख्ती लेकर खाई अपराध न करने की कसम। मुरादाबाद पुलिस ने 5 लुटेरे छात्रों को किया गिरफ्तार, महंगे शौक पूरा करने के लिए बने थे लुटेरे, लूट की कई वारदातों को दिया अंजाम। बरेली में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया, तस्करी के पास से 3 किलो अफीम बरामद। भदोई में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, एक कार से 70 किलो गांजा किया बरामद, मौके से 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में रेलवे स्टेशन इलाके में बूढ़े से लौट रहे 2 युवक जहर खुराने का शिकार, सड़क पर बेहोशी हालत में मिलने के बाद स्थानियों ने कराया दोनों को इलाज के लिए भर्ती। मुजफ्फरनगर से बदमाश की गई बरामद की गई करोड़ों की हेरोइन, गुजरात एटीएस और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, हैदर नाम के शख्स को साथ ले गई एटीएस। मैनपुर में पुलिस ने 130 पेटी अवैध बियर बरामद की, पुलिस ने एक आरोपी उमेश कुमार को गिरफ्तार किया। सीतापुर में आबकारी विभाग की अवैध कच्ची शराब की कार्रवाई, मौके से 229 लीटर शराब बरामद, 4050 किलोग्राम लहर नष्ट किया। बाराबंकी में छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से उड़ाई गर्दन, दोनों भाइयों में पेड़ काटने को लेकर कहासुनी हो गई। मेरठ में दिनदहाड़े प्रेमिका ने कत्ल से सनसनी, गला दबाकर प्रेमी ने उतारा मौत की घाट, किसी और से प्रेम संबंध के शक में हत्या। बिजनौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, प्रेम प्रसंग के चलते साड़ू की हत्या की थी। गोंडा में महिला का आत्मघाती कदम, 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदी महिला और दोनों बच्चों की मौत, आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कलह। मिर्जापुर में विद्याचल धाम में दर्शन करने आए आधा दर्जन लोग डूबे, 4 लोगों को बचाया गया, सगे भाई बहन ऋषि और खुशी की डूबने से मौत। बिजनौर में प्रेम प्रसंग में रिश्तेदार की हत्या का आरोप, हत्या के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिले से कब्जा, शेरकोट का मामला।
रामपुर के स्वार पेपलीपन के जंगल क्षेत्र में मिला तेंदुए का शव। वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के जन्मदिन पर खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ता का खास अभियान। सरकारी अस्पताल में बीमारों को बांटे फल। ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के साथ केदारनाथ यात्रा का आगाज। कल कैलाशपुर रवाना होगी बाबा केदार की डोली। जालौन में तेज आंधी का कहर, कई जगह लगी आग। अलग अलग थाना क्षेत्रों में आग की घटनाओं से हड़कंप। आंधी के चलते फैली आग। हरदोई में कंटेनर ने दो बाइकों को कुचला। हादसे में बाइक पर सवार एक महिला और बच्चे समेत चार की मौत। रायबरेली में मछली का शिकार खेलने गए अधेड़ के तालाब में डूबकर हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में नर्सिंग होम में नर्स के संदिग्ध मौत का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस करेगी कार्रवाई। तीन नामजद और अज्ञात पर गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। नर्सिंग होम में फांसी के फंदे पर लटकता मिला था शव। टिहरी में सरकुंडा देवी में रोप वे की सौगात। अब पर्यटकों को नहीं चलना पड़ेगा पैदल। सीएम धामी ने रोप वे का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में इसी सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा कि गीता और वेद पढ़ाने का प्लान बना रही सरकार। आम लोगों की राय पर सरकार ने की तैयारी। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक बालिका काशीपुर पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया दीपक बालिका जोरदार स्वागत। उत्तरकाशी में होटल व्यवसायियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका। सतपाल महाराज के बयान पर जताई नाराजगी। जसपुर में जिला अधिकारी युगल किशोर पंत का संबोधन। कहा कि पात्रों को ही मिले खाद्यान्न योजना का लाभ। अपात्र कार्ड धारक शीर्ष ही अपना पूरा ब्यौरा आपूर्ति कार्यालय में कराए दर्ज। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। हाईवे पर पिछले कई घंटों से लगा है लंबा जाम। बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाने का कार्य जारी। माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में उत्सव डोली कल गंगोत्री धाम को रवाना होगी। अल्मोड़ा के डोल आश्रम में अक्षय तृतीया में भव्य पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन। देश के नामचीन सिद्ध पीठों के साधु संत और प्रकांड विद्वान लेंगे हिस्सा। बुलडोजर एक्शन पर फिर से बिफरे ओवैसी। कहा कि बीजेपी सरकार में कानून का राज नहीं। मुसलमानों को सताने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल। दिल्ली के शाहीनबाग ड्रग केस में एनसीबी ने की छठवीं गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग ब्रैकेट में शामिल था आरोपी। दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। प्रॉपर्टी विवाद में दो भाइयों के परिवार भिड़े। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके का वीडियो वायरल। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स का कमाल। हाई स्कोरिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हराया। चेन्नई की तरफ से भूपेश चौधरी ने 4 विकेट छटके। रोमांचक मुकाबले में जीती लखनऊ। आईपीएल के 45वें मैच में दिल्ली को 6 रन से हराया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए मोहसिन खान ने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट झटके। आज कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मेगा रैली। सांस्कृतिक मैदान में एमएनएस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। रैली में राज ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर बोला हमला। कहा कि दो रैली से विरोधी बौखला गए। महाराष्ट्र के हर जिले में रैली करूंगा। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवारा गिरफ्तार। मोहाली से पुलिस ने बरजिंदर को धर दबोचा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था बरजिंदर। पटियाला हिंसा पर पंजाब पुलिस का एक बड़ा बयान। पटियाला के आईजी मुखविंदर सिंह चिन्ना ने कहा टेरर एंगल से हो रही है मामले की जांच। पटियाला हिंसा मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। आईजी मुखविंदर सिंह चिन्ना ने कहा किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। पटियाला हिंसा मामले में साजिश का बहुत बड़ा खुलासा। खालिस्तानियों ने पहले से रख रखी थी हिंसा की तैयारी। पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना के वीडियो से खुलासा। 22 अप्रैल के वीडियो में वो हिंसा की दे रहा धमकी। वीडियो में बरजिंदर परवाना खालिस्तान जिंदाबाद के लगा रहा नारे। हिंसा के बाद मुंह छिपाकर भागने का वीडियो भी आया सामने।
बरजिंदर सिंह बरवाना पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप, काली मंदिर की तरफ जाकर हिंसा भड़काने का आरोप। मरियोपोल में रूसी सेना के टैंक का बड़ा हमला, रिहायशी इमारत पर टैंक ने किया हमला। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चेचेन लड़ाके का बड़ा दावा, चेचेन लड़ाकों के चीफ रमजान कार्तिरोव ने कहा कि यूक्रेन के पोप सनाया शहर को जल्द यूक्रेनी कब्जे से करेंगे आजाद।